बागली रेंज के अंतर्गत लकड़ी माफियाओं द्वारा सत्ताधारी राजनेताओं के संरक्षण में चलते अवैध रूप से जंगल में सागवान के पेड़ों की कटाई का व्यापार किया जा रहा है। वहीं वन विभाग द्वारा भी लगातार इस कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते शनिवार के दिन वन मंडल अधिकारी देवास पी एन मिश्रा और वन एसडीओ अमित सोलंकी के निर्देशन में बागली रेंजर मुस्कान सिंह हरे, जिनवाणी रेंजर बी एस शेखरवार के नेतृत्व में बागली में बड़ी कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में बड़े पैमाने पर सागवान की लकड़ी और सुतारी सामान जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया। पूर्व में भी इसी अपराधी के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्त कार्यवाही में वन परिक्षेत्र बागली, जिनवानी और पुंजापुरा वन स्टाफ सम्मिलित था। बागली सर्वे पाटीदार की रिपोर्ट। दयाराम पाटीदार जो कि बागली निवासी है, कल दिनांक 4 सितंबर 2021 को उनके यहाँ जब्ती की कार्रवाई की गई है और इन पे पहले भी एक वन अपराध दर्ज कर किया जा चुका है। इनके यहाँ से लगभग 123 नग हमको इनके यहाँ चिरान पटिए मिले हैं। साथ ही साथ 76 नग इनके यहाँ पे लट्ठे मिले हैं। तो आरा कटर मशीन मिली है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लगभग 2 घन मीटर का माल हमको यहाँ से मिला है। साथ ही साथ दो आरोपी भी हमको वहाँ से, मुकेश पिता राय सिंह और गुपगांव है ये निवासी, और इंदर सिंह टीम गोपालपुरा, इनको वहाँ से गिरफ्तार किया है। तो इस जब्ती में जनरली डीएफओ साहब के निर्देशन में ये जब्ती की गई थी और इसमें वन परिक्षेत्र अधिकारी बागली और वन परिक्षेत्र अधिकारी जिनवानी और इन दोनों रेंज का स्टाफ ने मिलकर कार्रवाई की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।